नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो पूर्णतः आपके प्रैक्टिस के लिए है। एक मिक्सअप वीडियो है जहां पर करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य विषयों के क्वेश्चंस को मैंने समाहित किया है। 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के रहेंगे, 10 प्रश्न बायोलॉजी पर रहेंगे, जीव विज्ञान पर 4 से 5 प्रश्न जनगणना सेंसस पर, हिस्ट्री के क्वेश्चंस और भारत और विश्व के भूगोल के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, ठीक है। और मैं जानना चाहूँगा कि मेरे कितने स्टूडेंट्स जो हैं 40 में से कम 35 से अधिक प्रश्न सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पीछे से शुरुआत करेंगे क्योंकि करंट अफेयर से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक कैंडिडेट ने बताया था, सर आपके वीडियो पर 5 से 6 बार जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसका भी मैंने समस्या का हल कर दिया है, YouTube को मैंने मेल कर दिया है। अब आपको जो है वीडियो के बीच में या वीडियो के आरंभ होने के समय केवल 2 से 3, पूरे वीडियो में केवल 3 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चैनल के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई जाएगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट भेजी जाएगी वो YouTube की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। तो निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देखिए, बेहतरीन वीडियो है। पहला प्रश्न करंट अफेयर का ये है, क्वेश्चन नंबर 40, पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। हाल ही में 20 जनवरी 2020 को करंट अफेयर का दिन भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि UPPCS में और अन्य परीक्षाओं में अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बकायदा डेट दी जाती है करंट अफेयर के क्वेश्चन में। तो 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, राम नोथ लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने चैम्पियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 से हेमंत सोरेन को सम्मानित किया, ठीक है। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पहला प्रश्न आपके लिए ये है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ठीक है। लेकिन आपसे सीधा पूछेगा कि चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसको याद रखिएगा। हाल ही में पर्यावरण का नोबल पुरस्कार 27 जनवरी 2020 को किस भारतीय व पर्यावरणविद को दिया गया है, और ये व्यक्ति जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के सद्भावना दूत भी हैं, और इनके साथ साथ अमेरिकी जीव संरक्षण ग्रेट चैन सी डेली को दिया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम है टॉयलर पुरस्कार। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टॉयलर पुरस्कार किससे सम्मानित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के संदर्भ में सर्वोच्च पुरस्कार अभी तक का टॉयलर पुरस्कार है, जिसको कि पर्यावरण का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। ये हाल ही में 27 जनवरी 2020 को किस भारतीय पर्यावरणविद को दिया गया है, तो जवाब क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, संतोष कुमार, पवन चौधरी, पवन सुखदेव। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, सही जवाब है पवन सुखदेव। जी हाँ, पवन सुखदेव, याद रखना है आपको। UNEP के सद्भावना दूत भी हैं, गुडविल एम्बेसडर भी हैं, और इनके साथ साथ किसको दिया गया है, इनके साथ साथ दिया गया है ग्रेट चैन सी डेली को। ग्रेट चैन सी डेली किस क्षेत्र में जो है इनके योगदान के लिए दिया गया है? हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दिया गया है। हरित अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हरित अर्थव्यवस्था के लिए पवन सुखदेव को पर्यावरण का नोबल पुरस्कार 27 जनवरी को दिया गया है। भारतीय व्यक्ति हैं पवन सुखदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, टॉयलर पुरस्कार, ठीक है। पर्यावरण का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? टॉयलर पुरस्कार। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 27 जनवरी 2020 को टॉयलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, पर्यावरण का नोबल पुरस्कार है। चलिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन ने विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय पुरस्कार की घोषणा किस नाम से की है? अभी तक सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार कौन था? टॉयलर पुरस्कार, ठीक है। लेकिन अब इस घोषणा के बाद और इस पुरस्कार में मल्टी मिलियन पाउंड
जो है दिए जाएंगे। अभी ये तय नहीं किया गया कितने मिलियन पाउंड दिए जाएंगे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा राशि के संदर्भ में। इसका क्या नाम दिया गया है, प्रिंस विलियम ने इसका जो है ऑफिशियल जो है उद्घाटन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा अर्थ शॉर्ट प्राइस। ठीक है, अर्थ शॉर्ट प्राइस, तो दोनों याद रखना है नाम, अर्थ शॉर्ट प्राइस आने वाले समय में पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा जिसकी राशि सबसे बड़ी होगी। इसके अलावा टॉयलर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में दिया हुआ है पर्यावरण से संबंधित हरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पवन सुखदेव को। ठीक है, पवन सुखदेव याद रखना है आपको दोनों चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां, हाल ही में पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता के लिए शॉर्टलिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, नई दिल्ली, दोनों ही प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट को मना करने वाला कि हमारे राज्य में ये लागू नहीं होगा, ये करने वाला पहला राज्य कौन बना है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट करके बताना है। शॉर्टलिस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता के लिए शॉर्टलिस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, और CAA नागरिकता संशोधन विधेयक को मना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है कि हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तीन राजधानियों का विधेयक पारित किया है, यानी कि अब इस राज्य में तीन राजधानियां होंगी, ऐसा करने वाला ये प्रथम राज्य बन गया है हाल ही में। ऑप्शन है आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में जानिए, विशाखापट्टनम जो है कार्यवाही राजधानी होगी। ठीक है, इसके अलावा अमरावती विधायी राजधानी होगी, कुरनूल न्यायिक राजधानी होगी। ये तीन राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश राज्य में। हाल ही में विधेयक पारित किया गया है जनवरी में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तीन राजधानियां बनाने जा रहा है आंध्र प्रदेश। सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई गई एक पहल जिसका नाम है दामिनी, किस राज्य की जो है पहल है ये, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ पूरे राज्य में गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा योजना चलाई गई जिसका नाम है आरोग्य श्री, किस राज्य में चलाई गई है, ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। दामिनी योजना महिलाओं को सुरक्षा हेतु चलाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक पहल, ठीक है, और आरोग्य श्री आंध्र प्रदेश में। चलिए, इस तरह के प्रश्न जरूर देख के जाइएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है, और जहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा करंट बन जाए उस क्वेश्चंस को तो अच्छे से स्पेशली नोट डाउन कर लेना है अपने करंट अफेयर के नोट्स में कि वहां से प्रश्न बनने की संभावना काफी रहती है। हाल ही में हर दो वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी हर चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे YouTube चैनल्स ने जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मैंने अभी तक नहीं डाला है पूरा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट हर दो वर्ष में जारी की जाती है रिपोर्ट, इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आच्छादित वनावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा सही जवाब, सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33वें का, सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, इस वीडियो के PDF आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन उस पर टिक नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको रिमेम्बरिंग रहे और उसका आंसर भी, इसलिए ध्यान रखिएगा 24.56%। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी तो कई टेस्ट सीरीज़ के कई वीडियोज़ आने बाकी हैं, उसमें मैं पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए,
हाल ही में 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, नई दिल्ली। 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है केरल, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, इसकी थीम क्या रखी गई थी 2020 में? इसकी थीम रखी गई है स्वच्छ, हरित, स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। फिर से सुने, थीम है 2020 के लिए स्वच्छ, हरित, स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। स्वच्छ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो याद रहेगा केरल का तिरुवनंतपुरम, 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। हाल ही में 12 से 16 जनवरी को 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के दिन मनाया जाता है हर साल, इस पर प्रश्न बनता है। हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव थीम रखी गई थी 2020 की फिट यूथ फिट इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, विषय यानी कि थीम पर प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, तो पहले मैं बता दूं थीम को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, फिट यूथ फिट इंडिया। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद। सही जवाब है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो राजधानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होगी, ठीक है, परीक्षा में। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस थीम के साथ? फिट यूथ फिट इंडिया थीम के साथ जो है आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न भूगोल से है, कौन सही सुमेल नहीं है? चांदी, मेक्सिको, अबरक, भारत, लोएस्क, कजाकिस्तान, चिली, तांबा। तो यहाँ जो यहाँ पे सही सुमेल नहीं है वो होगा आपका लोएस्क, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो बड़ा उत्पादक है किसका? यूरेनियम का, ठीक है, हमेशा सुमेल करते हैं इसको परीक्षाओं में यूरेनियम के साथ। चांदी के लिए मैक्सिको जाना जाता है, अबरक के लिए भारत, यूकी माता खान जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है वो चिली में ही है, ठीक है, तांबे की खान चिली में। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यूरेनियम के लिए फेमस कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम अपने एक से दो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करें, काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे हमारी। निम्न में से कौन सा राष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? यानी कि अफ्रीका राष्ट्र में कुल मिलाकर 54 राष्ट्र आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर UPSC से पूछ लिया जाता है। गैबन, घाना, गिनी, गुयाना। आपने कई बार गुयाना का नाम सुना होगा, फ्रेंच गुयाना का, तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ने वाला राष्ट्र है, ना कि अफ्रीका में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। PCS का पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है? कृषि पदार्थों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है, नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, IFCO, MMTC। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है MMTC। अभी हाल ही में 23 फरवरी को UPPCS ACF का एग्ज़ाम हुआ, उसमें नाबार्ड से जुड़े दो प्रश्न पूछे गए, ठीक है, तो नाबार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है विगत वर्षों में, इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट्स हो सकते थे मैंने बताया हुआ है, तो अब नाबार्ड से जुड़ा कोई प्रश्न अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। हमारे देश में कृषि को वित्त प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए, सब कुछ बताया हुआ है, नाबार्ड से जुड़े क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। कृषि से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से अगर पूछा गया तो। यहाँ पे कौन सही सुमेल नहीं है? एक तरफ है फसलें और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित रोग। सरसों, सफ़ेद गेरुई सही है, बाजरा, कंडुआ ये भी सही है, मूँगफली, टिक्का ये भी सही है। उकठा जो है ये रोग जो है धान का नहीं है, ठीक है, उकठा रोग किसका है? चना का। तो जो सही सुमेल नहीं है वहाँ पे है ऑप्शन ए, धान की फसल से संबंधित नहीं है आपका उकठा रोग, ये चने से संबंधित है।
भारत का कौन सा बंदरगाह पोत भंजन के लिए जाना जाता है, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए हुआ ये बंदरगाह क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो जहाज हैं वो तोड़े जाते हैं, एक तरह से मलबा बन गया है ये जहाजों का। तो ये कौन सा है, कांडला, अलांग, विशाखापट्टनम, मुंबई? सही जवाब हो जाएगा गुजरात के भावनगर में स्थित अलांग। इसके अलावा कांडला भी गुजरात में है। विशाखापट्टनम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। जापान को औद्योगिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, विशाखापट्टनम से ही किया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसके अलावा 3 बार यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जान लीजिए, 1 अप्रैल सन 2000। फिर से मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी, 1 अप्रैल सन 2000 में। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अगर तमिलनाडु ऑप्शन में ना हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो, तो जवाब हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से भी ध्यान रखना है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, लेकिन यूपीपीएससी में एक बार प्रश्न जब पूछा गया तो उसमें ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। 196 के करीब है तमिलनाडु में और 51 के करीब है तेलंगाना में। निम्न में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं, कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सेंटोस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो पर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम देख लेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन नहीं करता है? आपको पता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है जैव उर्वरक का कार्य है और इस पर हमने पर्यावरण के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन है राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, फ्रेंकिया। 4 बार पूछा गया है, पीसीएस का प्रश्न है, घुमा करके कभी समीक्षा में पूछ लेता है, कभी मेंस में, कभी जो है सीधा सीधा प्री में। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है माइकोराइजा। राइजोबियम दलहनी फसलों में, साइनोबैक्टीरिया भी, फ्रेंकिया भी, ये तीनों जो है जैव उर्वरक हैं जो कि भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं फसलों की जड़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल्क टीका निम्न में से किस व्याधि में दिया जाता है? साल्क टीका, चेचक, टिटनस, पोलियो, टीबी। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पोलियो। ठीक है, पोलियो। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें क्या है दिया हुआ, कई बार सुमेल करने को दे देता है, तो चेचक का टीका किसने तैयार किया, एडवर्ड जेनर ने, इंसुलिन का टीका बेंटिंग ने, पोलियो का जॉन ई साल्क, टीबी का यूरिन कालमेट, यूरिन कालमेट। ठीक है, ये नाम है, इस तरह से सुमेल करने को कई बार परीक्षाओं में दे देता है, तो ध्यान रखना है, जॉन ई साल्क ने तैयार किया था साल्क टीका जो कि दिया जाता है पोलियो व्याधि में। ठीक है, इसके अलावा चेचक के बारे में हमने जान लिया, इंसुलिन के बारे में, पोलियो के बारे में और टीबी के बारे में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के वीडियो के जो है लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी एक एक बार देख लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, साइनो जीवाणु। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट याद रहेगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, अधि रक्त स्राव, शुद्ध हिंदी। आपको इस तरह से अगर प्रश्न आ जाए तो इंग्लिश वर्जन उसका जरूर देखना चाहिए, हीमोफीलिया। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आपके कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसी व्याधि जिसमें अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, यानी कि कहने का तात्पर्य ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं है, विटामिन के उसमें काम ही नहीं आएगा,
पपड़ी जमेगी नहीं, उसका खून रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी व्याधि को अधिरक्त स्राव कहा जाता है। और ये क्या है? ये एक आनुवांशिक विकार है। ऑप्शन दिया जा सकता है, जीवाणुओं द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है, आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। तो अब ध्यान रहेगा, इसको क्वीन रोग, रॉयल व्याधि भी कही कहा जाता है। कई बार प्रश्नों में जो है रॉयल व्याधि, रॉयल विकार किसे कहा जाता है, तो हीमोफीलिया को। सबसे पहले जो है इसका मामला कहाँ देखा गया था, तो इंग्लैंड की क्वीन में देखा गया था। ये एक आनुवांशिक विकार है, मैंने बता दिया क्या है, अधिरक्त स्राव, हीमोफीलिया, यानी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसका ब्लड रुकता ही नहीं है और इससे उसकी मौत हो जाती है, तो इससे काफ़ी बच के रहना होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णांधता, वर्णांधता क्या है, तो ये भी एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को हरे और लाल रंग में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कई बार ऑप्शन ऐसे देता है कि वर्णांधता किससे होता है, कुछ लोग समझते हैं कि ये एक तरह से रतौंधी होती है, नहीं, रतौंधी अलग है, ठीक है। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल की कमी से होता है, जबकि वर्णांधता जो है इसमें व्यक्ति हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता। आँखों से जुड़ी बीमारी ही है वर्णांधता, लेकिन ये एक जेनेटिक है, ठीक है। तो अब याद रहेगा, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला नाइट ब्लाइंडनेस व्याधि है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में ये जो चीज़ें हमने जानी, वर्णांधता, रतौंधी, अधिरक्त स्राव, इन तीनों पे कई कई बार प्रश्न बने हैं, इसीलिए मेरे को जरूरी लगा कि मैं इसको आपको बता दूं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है, मशरूम क्या है ये पूछा गया, कवक, शैवाल, जलीय फर्न, हरित साग सब्जी, तो मशरूम क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब हो जाएगा, मशरूम जो है एक कवक है, ठीक है, कवक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में एक प्रश्न पूछा गया, एजोला क्या है, एजोला एक जैव उर्वरक है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और जलीय फर्न, जी हाँ ऑप्शन में यही दिया हुआ था, जलीय फर्न है, ठीक है, तो याद रहेगा जलीय फर्न है एजोला, जैव उर्वरक। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, पीसीएस का दो बार का प्रश्न, वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, अधिपादपों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, तो सही जवाब क्या होगा, बैक्टीरिया द्वारा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सूर्य के किस रंग में, प्रकाश के किस रंग में सबसे ज़्यादा होगी, तो लाल और नीला, ठीक है, इन दो प्रकाश को याद रखिएगा, लाल और नीला, बाकी ऑप्शन में जैसा देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होगी, ऑप्शन में CO2, O2, ये सब होगा, H2O, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन हाउस गैस है पर्यावरण के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए बन जाती है, पौधों के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिससे कि वो खाना अपना बनाते हैं। कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधों की पत्तियों में, पत्तियों में क्या होता है, स्टोमाटा, रंध्र जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने पर्यावरण के वीडियो में कवर किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह तथा दूसरे ऋतु में जलोद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, मृतजीवी, मृतोपजीवी, हेलोफाइट, हीलियोफाइट, वायरोटाइफाइट, वायरोटाइफाइट, इनमें से क्या होगा सही जवाब, तो इनमें से सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, हीलियोट्रोफाइट, हीलियोट्रोफाइट। चलिए आगे बढ़ें, हीलियोट्रोफाइट। अगला प्रश्न देखिए, कौन सही सुमेल नहीं है, अमरबेल, चंदन, ऑर्किड, घटपर्णी, सोलवे का सही जवाब क्या होगा, सोलवे का सही जवाब है घटपर्णी, एक मांसाहारी है, जी हाँ मांसाहारी पौधा है जो कि अपने नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए जीवों को खाता है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जलोद्भिद की जगह क्या आएगा, मांसाहारी। कई बार घटपर्णी को नेपेंथीज भी दिया होता है, तो नेपेंथीज कुछ नहीं है, घटपर्णी पौधा होता है, ठीक है, घटपर्णी पौधा यानी कि उस पर जब कोई कीट आकर बैठता है तो उसका जो स्वरूप है वो एक घट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, मांसाहारी पौधा है ये, क्यों मांसाहारी पौधा है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य
इनमें से कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब। सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, चौदहवें का सी। ठीक है, चौदहवें का सी। एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें, एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश इनमें से कौन सा होगा? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो पंद्रहवें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिहार, 1106। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नोट डाउन, अगर क्वेश्चन पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रहेगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें निवास करती है? उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बिहार में, लेकिन प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 12वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, मेघालय। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलिए, अभी कई सारे टेस्ट आपके होने बाकी हैं, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य / केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा दोनों के संदर्भ में देखना होगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपका दादर नागर हवेली। अगर सिर्फ राज्य की बात हो जाएगी तो केंद्र जो है मेघालय हो जाएगा जवाब, लेकिन यहाँ पर दोनों मैंने दे दिया है। इस तरह के प्रश्न जो है अब पूछे जाने लगे हैं, तो दादर नागर हवेली लगभग कितना, 55%। ठीक है, चलिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, फ्रक्टोज। दसवें का सही जवाब क्या होगा? दसवें का सही जवाब है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिबलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ओब्लोंगाटा। इन चारों पर ही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बना है वो हाइपोथैलेमस पर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होगा आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है आपका सेरिब्रम। मनुष्य के ताप को नियंत्रण करने वाला जो है मस्तिष्क का केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पसीना को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हाइपोथैलेमस से होती हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक जीके के हिसाब से जो क्वेश्चन अधिकांश बार पूछा गया है वो यही है, ऑप्शन यही दिया जाता है। तो यहाँ पे नीदरलैंड का रोटरडम बैन जो बंदरगाह है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। लेकिन 2018 के हिसाब से देखें करंट का क्वेश्चन, तो संघाई, चाइना का संघाई सबसे व्यस्त बंदरगाह बन गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी स्टैटिस्टिक जीके से जो क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं तो रोटरडम नीदरलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार प्रश्न जो है ऐसे पूछा जाता है, कौन सही सुमेल नहीं है? 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ग्रैंड चैनल जावा निकोबार। तो यहाँ पे कौन गलत है?
सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो गलत है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब है आपका ग्रैंड चैनल। ठीक है, ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के बीच में। बाकी 8 डिग्री सही है, 9 डिग्री सही है, 10 डिग्री भी सही है। हाल ही में 23 फरवरी को जो पेपर हुआ है उससे जो है मैं जुड़े 5 प्रश्न मैंने अभी लिए हैं, आखिरी के 5 प्रश्न वहीं से हैं। तो निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ओपेक का सदस्य है? ओपेक क्या है? वे राष्ट्र जिनके पास अच्छा खासा खनिज तेल का रिजर्व है वो इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, उस हिसाब से ब्राज़ील, पेरू, चिली, वेनेजुएला, इनमें से किस राष्ट्र के पास खनिज तेल का अच्छा खासा भंडार है? तो आपका जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। तो ओपेक का सदस्य कौन सा है? वेनेजुएला। कुल मिलाकर 14 मेंबर्स हैं। ये प्रश्न अभी 23 फरवरी 2020 को पूछा गया है। इसके अलावा इसी 23 फरवरी का प्रश्न है, बाघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी इनमें से कौन सी है? बांधवगढ़, गहोरा, रीवा। तो मध्य प्रदेश का राजवंश था बघेल राजवंश, इसकी राजधानी थी रीवा। ठीक है, रीवा। गूगल करके मैंने जो है इस प्रश्न का उत्तर जाना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में 23 फरवरी को। चलिए, पूरा यूपीपीसीएस एसीएफ का जो पेपर है वो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लेके आऊँगा धीरे धीरे करके। निम्न में से विदेशी पूंजी में क्या शामिल है? तो विदेशी पूंजी में विदेशी सहायता शामिल है, विदेशी विनियोग शामिल है और वाणिज्यिक ऋण, ये तीनों ही शामिल हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वोच्च पुनर्वित्त संस्था यानी कि लंबे समय तक वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? GIC, UTI, LIC या नाबार्ड? सही जवाब हो जाएगा आपकी नाबार्ड। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया इस पेपर में नाबार्ड से जुड़ा हुआ कि कृषि को साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था देश में कौन सी है? ऑप्शन में RBI, नाबार्ड और दो ऑप्शन और थे, तो जवाब होगा नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड से जुड़े प्रश्न दो पूछे गए। कौन सही सुमेल नहीं है? सलवन विहार, अत्ताकर देव, सोमपुर देवपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, जगदल विहार रामपाल। तो कौन सही सुमेल नहीं है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सलवन विहार, ये गलत सुमेल है। ठीक है, बाकी देव सोमपुर देवपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, जगदल विहार रामपाल, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया अभी हाल ही में 23 फरवरी को। इसके अलावा कुल मिला के लगभग 300 प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को मैं MCQ फॉर्मेट में आप ही के द्वारा प्रैक्टिस कराऊंगा अपने वीडियोस में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, थोड़ा समय हो गया है। चलिए कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, वीडियो आपको कैसी लगी। करंट अफेयर के ऊपर मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा, मुझे पता है कि आप काफ़ी जो है दिलो जान से पसंद करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद। ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए।